फोकस अब बायोकॉन पर करेंगे, जहां पर हमने देखा अच्छी खासी तेजी आई है। दरअसल कंपनी ने बर्सल मायर्स के साथ एक टाई अप किया है, ओरल इंसुलिन जो यहां पर एक पिल ये डिवाइस कर रहे हैं आयन 105 के नाम से, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स दोबारा शुरू होंगे। हमारे साथ कंपनी की सीएमडी किरण मजूमदार शॉ है। किरण जी स्वागत है आपका, कुछ डिटेल्स दे सके ये कितना बड़ा मार्केट होगा और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बायोकॉन के लिए? अगर ये क्लिनिकल ट्रायल्स पॉजिटिव आउटकम का हमें वो आशा देखा जाता है तो ये तो बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रग हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग दैट कैन ट्रांसफॉर्म डायबिटीज ट्रीटमेंट, उसीलिए हमें आशा है कि ये बहुत ही अच्छा यू नो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और आपने जो टाई अप ब्रिस्टल मायर्स के साथ किया है, क्या उनके पास ज्यादा राइट्स हैं ग्लोबली? यू नो इफ यू रिमेम्बर हमने जो पहले हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे इंडिया में, उसमें हमने बहुत एक प्लस देखा गया, तो उसी के वजह से हमें ट्रायल्स को हॉल्ट करना पड़ा। और अभी हम ब्रिस्टल मायर्स क्विब के साथ अभी हम फिर शुरू करेंगे ट्रायल्स, बिकॉज आई थिंक ब्रिस्टल मायर्स We've had the experience to design trials in a way that you know can demonstrate efficacy in a much better way. So that is why we have decided to enter into this option agreement with Bristol Myers Squibb. Will help us design the trials. Will also largely the trials. अगर हम कामयाब हो गए ये trials में, तो ये licensing deal convert कर देंगे. And of course, at that point in time, it becomes a very big deal. Or you know, upon completion, of course, a huge blockbuster potential. तो ये जो मोनेटाइजेशन का मौका है, ये आप कह रहे हैं कि कम से कम अभी दो साल दूर मानना चाहिए या उसके पहले भी? हाँ जी, मोनेटाइजेशन तो कम से कम दो साल लगेंगे। अच्छा, हाँ फेर नाफ, शुक्रिया आप किरण जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो टाइम लग सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है ब्रिस्टल मायर्स के साथ। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, करार साइन किया है, ओरल इंसुलिन ड्रग और जो IN105 के नाम से उसे हम जानते हैं, ग्लोबल राइट्स इनफैक्ट ब्रिस्टल मायर्स के पास है। और इफ एट ऑल इसकी एफिकेसी साबित होती है, जिसके लिए दो साल लगेंगे, ये एक बड़ी लाइसेंसिंग डील में भी तब्दील होगी। ग्लोबल राइट्स ब्रिस्टल मायर्स के पास है और साथ ही बायोकॉन के पास इंडियन एक्सक्लूसिव राइट्स है इस ओरल इंसुलिन के लिए, और वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कंपनी के लिए आगे। स्टॉक आपके सामने 1 से 1.5% ऊपर, इनफैक्ट कई सारे जानकारों ने आपके लिए ये शेयर रेकमेंड भी किया है इसी ट्रिगर के चलते। तो ये है फिलहाल बायोकॉन के बारे में बातचीत, लेकिन फोकस हमारा यही है कि आप बाजार में क्या नजरिया लेकर चले। निवेशकों को हमेशा साफ सुथरी मैनेजमेंट वाली कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए, ये कई सारे जानकारों ने कहा है, लेकिन ऐसे मैनेजमेंट वाली कंपनी